हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम लोग हैं रेडी, जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज मंदिर में मनाया जाएगा हमारे गुरु जी का जन्मदिन। आज है उनका जन्मदिन, कल छठी हो गई थी मंदिर में, हम लोग छठी करेंगे आज। क्योंकि वो था ना कि कुछ लोगों ने 6 तारीख को किया था जन्माष्टमी और कुछ लोगों ने किया था 7 को, तो मंदिर में 6 तारीख को जन्माष्टमी हुई थी, कल वहाँ छठी हो गई थी। पूरा प्रोग्राम हुआ था 4 से 8 कल प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, वृंदावन से लोग आए हुए थे, तो वहाँ का प्रोग्राम हम हो गया और हम लोगों की घर की छठी जो है वो आज है। तो वहाँ से आएंगे, उसके बाद करेंगे आके छठी। और अभी फिलहाल जा रहे हैं मंदिर। कपड़े आजकल नहीं सूख रहे हैं, बारिश हर वक्त होती रहती है, बारिश खूब चल रही है। ये देखो, कोचिंग से आने के बाद टीवी देखेंगे, कोचिंग जाएगी तभी टीवी बंद होगी, है ना। स्कूल से आने के बाद कोचिंग तक टीवी। और ये भी हो गए रेडी, चलेंगे मंदिर हमारे साथ। चले, चलो रेडी। हाँ तो चलिए चलते हैं मंदिर। और आज वहाँ मनाया जाएगा गुरु जी का हमारे जन्मदिन, तो आप भी हमारे साथ गुरु जी के जन्मदिन में शामिल होइए। चप्पल मेरी पता नहीं कहाँ गई, मैं नीचे छोड़ के आई हूँ, पता नहीं कहाँ है, शायद नीचे छोड़ना चप्पल। आज हर जगह गर्म कपड़े कपड़े पड़े हैं। भेजो जब तक हम आए तो सब ठीक है, छठी का इंतजाम करके रखना। अरे आज अपने यहाँ छठी होगी। हाँ, ये उसमें काउंटर से पैसे दे देना, चाहे हाथ को कह देना, उसे मट्ठा में लेते आने, 40 रुपये उसको दे देना। हैं 40 रुपये दे के तो मट्ठा उधर से लेते, कुछ दिन जाने से पहले दे देना, भूल न जाना। दे दीजिए। हाँ ठीक, हम जा रहे हैं। राधे राधे। तो बर्थडे मना के, गुरु जी का बर्थडे मना के हम लोग निकल चुके थे और रात हो गई थी, सब लाइटें वगैरह जल गई थी, देर हो गई काफ़ी। और घर जाके अभी छठी वाला प्रसाद भी बनाना है, मगर कोई नहीं, यहाँ बहुत आनंद आया। केक गुरु जी का कटा, सब कुछ हुआ, सबका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है वीडियो डालने में, इस वजह से थोड़ा ही वीडियो बनाया था मैंने। और आज भी कई जगह है, देखो मंदिर वगैरह सजे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज छठी नहीं, आज भी कई जगह, यहाँ कई जगह रोड पर पंडाल लगे हुए थे क्योंकि आज यहाँ भी छठी का महोत्सव है, तो ये बहुत अच्छा पंडाल सजा हुआ था। चलिए तो आ गए गुरु जी का जन्मदिन मना के, अब फटाफट से बनाएंगे खाना। खाना वैसे नहीं बनता मगर आज छठी है तो कढ़ी चावल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कढ़ी चावल का भोग लगता है। चलिए फटाफट से पहले काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट हो गया, लेट के कीर्तन वगैरह हो रहे थे उस चक्कर में लेट हो गया, कोई नहीं हो जाएगा अभी फटाफट सब। गाइस बेसन फटता हुआ देख लो, आवाज नहीं को तुम आवाज डाल लेवे, नहीं आवाज हम करीबे, बेसन फटता देख लो, बेसन बेसन देखो फिटता हुआ, ये देखो हल्दी डाल दी, ये बेसन फिट रहा, ये मम्मी रही, ये कढ़ी रही, ये बेसन रहा। तो यहाँ पे दाल मेरी पिस चुकी है, उसमें डाल देंगे जीरा,
हींग और स्वाद अनुसार नमक। इसका बनाएंगे हम दही बड़ा, क्योंकि छठी में दही बड़ा बनाना तो बनता है। मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें तड़के में डालेंगे और दूसरी तरफ बना लेंगे अपनी पकौड़ियाँ। तो ये पकौड़ियाँ बैटर बन चुका है, वो पकौड़ी डाली जा रही है। कढ़ी में ना बने तो बेकार है, पकौड़ी वाली कढ़ी बन रही है। कभी कभी आलू वाली भी बनती है, मगर आज मैंने पकौड़ी वाली ही कढ़ी बनाई है। लेट हो गया, लेट हो गया तो गाइस मम्मी को लेट हो चुका है। लेट कुछ नहीं, अब वहाँ भी टाइम लग गया ना, कढ़ी तो बनने वाली है ना। ये दाल रही, ये कढ़ी उबल रही है, मम्मी मल्टीपल काम कर रही है। उधर दूध इसमें रखा था वो भी हो गया, मम्मी ये साथ खूब सारे काम कर रही हैं। ये लो एक साथ पूरी पकौड़ी सारी मम्मी डाल दी। ज्यादा नहीं बनाएंगे ना पकौड़ी, बहुत ना बहुत ज्यादा कढ़ी। हाँ, क्योंकि हम लोग पकौड़ी ज्यादा रस से भागते हैं, इसलिए ना मम्मी पकौड़ी कोई खाता नहीं है। पकौड़ी ज्यादा कोई खाता नहीं है, सबको ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी ग्रेवी ग्रेवी। जैसे पनीर में पनीर से अच्छी ग्रेवी लगती है, उसी तरीके से कढ़ी में कढ़ी का पानी चाहिए। पानी के पानी बोलते कढ़ी का, अरे जो भी बोलते हैं हमसे क्या मतलब, कुछ बोलते हैं ना बस काफी है। पानी 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 पानी। यहाँ पे एक वर्कर है जो किसी से बात करते करते चावल भी नहीं है। रानी मौसी से बात करते करते चावल भी नहीं है। वाह, अरे पकौड़ी तुरंत बन रही, मम्मी दीदी तो ऐसा लगे पड़े झमझम झमझम। ये देखो पकौड़ी वाली आवाज नहीं है, गर्मा गर्म प्यारी प्यारी गर्मा गर्म प्यारी प्यारी। गाइस दाल देख लो, गाइस दूध देख लो, गाइस अभी चाय बनी थी, हमने चाय नहीं पिया शाम को। हम ये बना ले फिर उसके बाद चाय बनाओ। फिर मैं चाय बनाऊंगा, चाय बना चला दूंगा अपना काम करने, फिर 12 बजे पहले लोगों से कुछ बोलूंगा ही समझी। हमने चाय पीने का तो एक तरफ चाय चढ़ा देते, तब तक एक तरफ पकौड़ी बने, एक तरफ कढ़ी, एक तरफ चढ़ा देंगे चाय। दूध कहाँ, दूध बाहर रखा है आज, दूध यार देर से गर्म हुआ है, पसीना देखो कितना, आज गर्मी बहुत है, दोपहर में बारिश हुई ना उस वजह से उमस बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए ये चाय चढ़ा देते हैं एक तरफ, तीन चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। तो ये बन गई मेरी पकौड़ी और इधर कढ़ी बन गई, कर रही है अभी, करने में टाइम लगेगा, तब तक बनाते हैं दही बड़ा। चाय बना दी ना, चढ़ा दी तरफ, चीनी डाल रही है मम्मी। भैया चाय चढ़ा दी बहुत फास्ट है, वो है क्या कहते हैं पकौड़ी, और ये है चाय, ये है कढ़ी, ये है दाल, ये है चाय पत्ती जो डाल रही मम्मी, ये दही बड़ा वाली डाल रही मतलब। हाँ ये दही बड़े बनने हैं, पकौड़े दही बड़े बनने हैं, वो रखा मट्ठा। यार तुम लोगों को मट्ठे बड़े कहने चाहिए, दही बड़ा क्यों कहते हैं, दही बड़ा क्यों कहते हैं, तो नाम रखा उसे पूछो। मिला मुझे उससे, कहाँ रहता है मिलवाओ, पता नहीं कहाँ है। ये सारे चिपक गए ना एक साथ, देखो आओ चाय देख लो गाइस, चाय चाय बननी, चाय रहे हैं दही बड़े बनने हैं, दही बड़े ये तो देख ही चुके हैं, ये दही बड़े बनने हैं, वो दही बड़े का मट्ठा रखा हुआ, उधर चाय चढ़ी हुई है, सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जय जवान जय किसान। फिर पापा बैठे कुछ चला रहे अपना फोन में, जो टाइम पास कर, पापा जी ऑफिस के मेल चेक कर रहे हैं, मेल मेरा ऑफिस से काम करने है, 8 बजने वाला है गाइस। ये यहाँ खड़ी है गाइस, मम्मी वहाँ मेहनत कर रही है गाइस, मम्मी मेहनत कर रही हूँ ना, करती रहो तुम्हारे सफल हो जाओगी, तुम बड़ी होके जरूर कोई अच्छा आदमी बनोगी। ये क्या कर रहे हो, वो उससे आवाज उससे तेरी पक्के जैसे वो समझ गए बैठे बैठे, उसमें आवाज भी नहीं बड़ी दिक्कत है। अच्छा मैं तो बस चाय का इंतजार है, वो पकौड़ी का जो कि मम्मी भोग लगने के बाद देंगे, उसके बाद देंगे नहीं। हाँ। मालूम था कहने जा रही हूँ, समझ गए तुम्हारा भाव जानते हैं, जब भोग लग जाएगा खाना का तब देंगे।
क्योंकि ये चाय रखी, जब मम्मी हमें गिलास में डालना, कप में डालना, क्योंकि थोड़ा दम में लाएंगे, मेरी गिलास में डालना, हमें गिलास में, गिलास में, गिलास में, गिलास में, गिलास में, गिलास में, इसमें रखो। दूध गर्म है अभी, हम गर्म दूध पियेंगे अभी, तो मैं बच्चा दूध ही पीता हूँ। चल ले जा बाहर, ले जाते हैं। मम्मी अपनी निकाल लो, तुम निकाल ली? नहीं नहीं, हम अभी बाकी पियेंगे, ये निकाल लेता हूँ। तो तीन क्यों दी, हम पापा ही तो हैं बस। चलो हम आ गए। ओके ओके, न्याय हुआ है, हमको चाय नहीं पीने दी जा रही है, हमको वीडियो बनाने के लिए बुला लिया गया है। तो फाइनली कढ़ी हमारी बन गई है, दही बड़ा भी बन गया है, और ये चावल चढ़ा है। ये दही बड़े बन गए, इनको तड़का लगाएंगे। तो फाइनली खाना पूरा बन चुका है, अब बैठ के चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आराम से बैठ के भोग लगाएंगे। पसीना पसीना हो गया पूरा। अरे लाइट इतनी कम क्यों है? क्या गरीब लोग, गुजारा चल रहा है। हर हर महादेव देखा मैंने, हर हर महादेव। चलिए चाय वगैरह भी पी चुके हैं और पूरा भगवान का भोग भी रेडी हो गया है। तो पहले लगाएंगे भगवान को भोग, और भगवान का भोग लगाते हुए आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आज निराला के दर्शन किसी को नहीं कराएंगे। चलिए इनके बर्तन वगैरह निकालते हैं, उनको भोग लगाते हैं। उनको भोग लगाने के बाद उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज के दिन छठे के दिन नहीं दिखाते लाला को किसी को, इस वजह से दिखाएंगे। चलिए लग चुका है कन्हैया का भोग, उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मैं लेके बैठ गई थी मूली के पत्ते काटने, तो तब बोल और ये आ गए साथ में हमारे। इनको हर चीज़ करनी रहती है, हाथ ना काट लेना, हर चीज़ सीखता है वो, अच्छी बात। हाँ ये बात है, सीखता तो हाँ सारी चीजें, कोई चीज छोड़ता नहीं है। कहीं कभी अकेले रहना पड़ा तो अपना बना खा तो लेगा। क्यों होगा, बना खा लोगे? क्या वो नाव में कब तक रहेगा? अभी पढ़ने लिखने जाएंगे, इसके आगे तो अकेले रहना ही पड़ेगा। चलिए तो प्रसाद लगाते हैं, आप लोगों को भी खिलाते हैं। माधव मेरे खा चुके हैं, उनका प्रसाद भोग लग चुका है, उनको दिखाया नहीं। हमारे छठी में न तो भोग दिखाते हैं और न ही अपने कन्हैया जी को दिखाते हैं, कोई नज़र लगा दी कहीं तो, इसे चाय दिखाओ ना आज किसी को, है ना? जब भोले काजल वाजल लगा के उनको बिठाया है अच्छे से, है? जब भोले बाबा नहीं दिखाया गया तो तुम कौन? हाँ तो भोले बाबा नहीं दिखाया गया तो हमको, हम तो देखा है, मगर इन लोगों को भी नहीं दिखाया भोग लगाते हुए, आज किसी को नहीं दिखाया, केवल मैं लगा के भोग आई हूँ। इतनी जल्दी जल्दी बनाया है ना, और पता नहीं कैसा बना होगा, अच्छा ही बना होगा प्रसाद वैसे। चाय अभी बताएंगे खा के कैसा बने, है ना? चाय लगाने जा रहे हैं अभी खाना। खाना लग चुका है, इसमें कढ़ी चावल है, दही बड़े हैं, बावन दही बड़े भगवान, दही बड़ा यहाँ पे है, दही बड़ा यहाँ पे है, ये कढ़ी है और ये चावल। रोटी नहीं लोगे क्या? नहीं, सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे। प्रसाद खाएंगे बस। तो रोटी भी तो प्रसाद ही है। बाबा बस प्रसाद खाएंगे और चटनी ले ली, चटनी। कैसा बना प्रसाद? जैसा वृंदावन में खाते ना कढ़ी, सेम वैसी है। हां मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बनी यानी कि। चाह तुम बताओ जरा, बढ़िया बना। हाँ हमने भी यही खाया सबसे पहले। अच्छा गया। तो हो गया खाना पीना, और आज की कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, कोई चीज प्रसाद के नाम पे बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है। अब इसके बाद करेंगे चिकन के समेटा समेटी, बहुत फैल गया किचन, इतनी जल्दी जल्दी बनाया ना, क्योंकि आज गुरु जी का जन्मदिन था, काफी टाइम तो वही हो गया, उस वजह से लेट हुआ, क्या लेट नहीं हुआ, सही से बन गया पूरा टाइम से। और आज की सारी चीजें अच्छी बनती है, ये होता है मुझे लगता है, जब प्रसाद के नाम पे कुछ बनाओ ना तो ज्यादा अच्छा बन गया। आज की कढ़ी तो बहुत अच्छी बनी है, और दही बड़ा भी बहुत अच्छा बना है। चलिए किचन साफ, ये पानी वगैरह भर रही है, बाकी बाहर के बर्तन वगैरह सब रख दिए बाहर, सुबह धुलेंगे। और गर्मी बहुत, बारिश के बाद बहुत गर्मी हो रही है, अजीब सी चिपचिपी वाली ना, बहुत गर्मी है। चलिए तो आज का दिन बहुत अच्छा बीता, जन्मदिन भी मनाया, भगवान की छठी भी मनाई, कुछ लोगों ने छठी कल कर ली थी, जिन लोगों ने 6 तारीख को किया था उन लोगों ने कल कर ली थी, और जिन लोगों ने 7 को जन्माष्टमी मनाई थी उन लोगों ने आज की छठी, तो मैंने 7 को मनाई थी जन्माष्टमी।
उस हिसाब से मैंने आज करी छठी भगवान की। अब भगवान की छठी वगैरह हो चुकी है और उनको सुलाने की जिम्मेदारी इनकी है। इनका बेड वगैरह लगा रखा, ये जाएंगे भगवान को सुलाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना बेड रेडी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।